नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग औद्योगिक नीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो उद्योगों की स्थापना होती है, उसके माध्यम से उत्पादन और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के संदर्भ में जिन भी हम जो है चैप्टर और विषयों का अध्ययन करते हैं, उसके अंतर्गत हम एक निवेश का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि इन उद्योगों में या विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में जो है निवेश आता है, और उस निवेश के माध्यम से हम आर्थिक गतिविधियों को जो है बढ़ाने में सफल होते हैं। तो इसी के लिए जो है एक समर्पित जो है टॉपिक और क्लास जो है विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह, इसको टॉपिक के रूप में कहा गया है। इकोनॉमी जो भी एक के अंतर्गत एक चीज ये भी समझना आवश्यक है, कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, कुछ टेक्निकल टर्म है, शब्दावलियां हैं जिसको आप लोगों को समझ में देखते रहना होगा और बार बार प्रयोग करते रहना होगा। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आप चाहे साक्षात्कार हो या मुख्य परीक्षा हो, अगर इसमें आप लिखते हैं या इसका आप कन्वर्सेशन में प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो विचार है, आपकी जो आपके कंटेंट हैं, वो प्रभावी हो जाते हैं। यानी कि आपकी प्रस्तुति जो है बहुत ही प्रभावी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो अच्छा माना जाता है। तो इकोनॉमी जो एक जीएस का भी पार्ट है, उसके अंतर्गत भी इस तरीके के जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, तो जिसे आप लोगों को जो ध्यान में रखना होगा। आज के भी इस चैप्टर में मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में जो है और इस टॉपिक के अंतर्गत जो है आज की क्लास में कुछ टेक्निकल टर्म प्रयोग में आएंगे, उसे बाद में भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे किस तरीके से प्रयोग हो रहा है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह, तो आर्थिक गतिविधियां, औद्योगिकरण और इस तरीके से देश में रोजगार और विकास के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है पूंजी की सदैव आवश्यकता होती है। भारत चूंकि स्वतंत्रता के बाद से ही जो है एक विकासशील देश रहा है, यहाँ पर जो है बचत कम थी और इसी तरीके से पूंजी भी कम था। यानी बचत और पूंजी दोनों एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि जब बचत नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी के साथ साथ भारत में जो है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी भी जो है अपने निम्न स्तर पर थी। तो ऐसी स्थिति में यदि भारत को विकास के लिए स्वयं अपने ऊपर ही केवल निर्भर होना होता, तो हम विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाते। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार के जो है कार्यक्रम चलाए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि विदेशी पूंजी जब आती है तो वह न केवल एक उत्पादन और अर्थव्यवस्था में एक स्वस्थ परिवेश का निर्माण करता है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ अन्य तकनीक भी अपने साथ ले आता है। तो इन्हीं बातों के कारण से विदेशी पूंजी या विदेशी जो है अंतर प्रवाह है, उसका क्या महत्व होता है, इस बात को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह का महत्व, सबसे पहली बात तो यह है कि यह अपने साथ, इसके साथ में तो तकनीक भी आती है, टेक्नोलॉजी। दूसरा, जब ये किसी भी, अभी हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार से जो है यहाँ पे निवेश हो सकते हैं, तो उन निवेश के साथ में जो है किस तरीके से टेक्नोलॉजी आती है और किस तरीके से जो है वो अलग गतिविधियों का संचालन करते हैं, तो जिससे उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पर इसी के साथ जो है प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण के साथ साथ जो है यहाँ पे रोजगार, जब किसी को प्रशिक्षण मिलेगा तो यहाँ पे रोजगार होगा, और आर्थिक गतिविधियां जब चलेगी, निवेश होगा, तो यहाँ पे रोजगार होगा। यानी कि ये सभी जो है विदेशी अंतर पूंजी के अंतर प्रवाह से जो है संबंधित होते हैं। यहाँ पे मानव पूंजी का निर्माण, मानव पूंजी निर्माण होता है। मानव पूंजी निर्माण के साथ साथ जो है प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग। दूसरा है एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग जब बाहर से भी पूंजी आएगी, तकनीक आएगी, यहाँ के घरेलू जो घराने उद्योगपति हैं, विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, तो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो है आपस में सुस्त प्रतियोगिता होगा, इससे चीजें भी बाहर निकल करके आएंगी। और दूसरे स्तर पर इससे क्या होगा कि
इससे जो है उच्च गुणवत्ता की जो है वस्तुओं का भी उत्पादन होगा, यानी कि यहाँ पर उत्पादक और उत्पादन दोनों की ही जो है गतिविधियां अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है दोनों ही की गतिविधियां कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था के लिए जो है एक उचित और बेहतर जो है माहौल और जो है संकेत जो है पैदा करते हैं। तो ये चीजें होती हैं प्रतिस्पर्धात्मक जो हमारे लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल जो बनता है, उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि। अब ये जैसे अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह है, प्रवाह मतलब आना फ्लो इसी से रिलेटेड है, और विदेशी पूंजी है तो जब यहाँ पे आएगा तो निवेश होगा, निवेश के कई प्रकार होंगे, कई उसके स्वरूप होंगे, तो इसका महत्व इन बिंदुओं में है। अगर मतलब कहने का तात्पर्य है कि इससे एक अवधारणा को विकसित करने की आवश्यकता है कि वो इन बिंदुओं या इन पॉइंट्स के माध्यम से वो काम करेगी जो है पूंजी, और इसका देश में इस तरीके से महत्व है। तो ये आपकी मुख्य परीक्षा में जो है उत्तर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये इस पे जो विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह का जो है महत्व बिंदुओं में होगा। अब जो है विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह के स्रोत, हमने एक टॉपिक यहाँ पे हम टॉपिक को जो है लिखते चलेंगे, महत्व हो गया। अब दूसरा जो है स्रोत, स्रोत इसके जो है दो होंगे, एक सरकारी होगा और दूसरा निजी होता है, सरकारी क्षेत्रों से और निजी क्षेत्रों से। अब सरकारी क्षेत्रों से जो, अब ये सरकारी क्षेत्र का मतलब विदेशी सरकारी क्षेत्र यहां से है, जब भारत में अंतर प्रवाह की बात होगी तो इसके अंतर्गत जो है द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान आते हैं जो कि ऋण के रूप में, अनुदान के रूप में, अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे प्राप्त होता है, पूंजी जो है प्राप्त होती है, और इसके माध्यम से सामान्यतः जो है सरकारी जो है योजनाओं परियोजनाओं के क्षेत्र में जो काम किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी प्रोजेक्ट हैं जिसमें विश्व बैंक के माध्यम से जो है सहयोग किए जाते हैं, या अलग अलग देशों के द्वारा उसको जो है उसमें सहयोग किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आती हैं सरकारी क्षेत्र के जो है स्रोत के अंतर्गत आती हैं, और इनका भी जो है देश के विकास में महत्वपूर्ण होता है। तो ये सीधे सीधे तो जो है उद्योगों से या इस तरीके से नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर विदेशी पूंजी की बात की गई है अंतर प्रवाह की, तो ये जो सरकारी क्षेत्र के जो कल्याणकारी योजनाएं परियोजनाएं हैं उसमें भी इसको जो सम्मिलित कर लिया जाता है। बड़े बड़े जो है अवसंरचनात्मक क्षेत्र के जो है ढांचे के निर्माण के लिए भी जो है इस तरीके की संस्थाओं से सहयोग, विश्व बैंक है, और इसी तरीके से जो है कार्यक्रमों में जो है सहयोग जो है किया जाता है। तो ये सारी चीजों को जो है देखने की आपको आवश्यकता है। तो ये सरकारी क्षेत्र में जो है सरकारी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के माध्यम से जो है सहयोग प्राप्त होता है, ऋण या अनुदान के रूप में इसका स्वरूप होता है, और विभिन्न प्रकार के जो सरकारी या जो है परियोजनाओं के क्षेत्र में जो है ये काम करते हैं। तो ये हो गया जो है सरकारी क्षेत्र की जो है स्रोत, और निजी क्षेत्र के जो स्रोत को जो है दो भागों में बांटा गया है, निजी क्षेत्र के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसे जो है FDI कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है पोर्टफोलियो निवेश, या इसी को जो है संस्थागत निवेश। अब यहां पर विदेशी संस्थागत लिख देंगे तो ये जो है हो जाएगा FII, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII। तो FDI और FII के रूप में जो है यहां पर जो निवेश किए जाते हैं, और ये सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। इसके जो है दो स्रोत जो है विदेशी पूंजी की हम बताएं। तो अब हम जो है यहाँ पे FDI के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे। FDI के बारे में जो है, जब कोई भी विदेशी कंपनी या जो निवेशक किसी जो है देसी कंपनी में जो है उसके शेयर को जो है खरीदती है,
या जो है वो किसी नई कंपनी के निर्माण के लिए जो है यहाँ पे भूमि भवन मशीनरी प्लांट इत्यादि में निवेश करती है, तो सीधे निवेश किए गए इस प्रकार के स्वरूप को जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। यदि वह किसी कंपनी के शेयर के रूप में निवेश करती है तो वह वहाँ पे उसी हिस्सेदारी पर जो है स्टैंड करती है, जितनी हिस्सेदारी जो है वो खरीदती है उसी अनुपात में उसको अधिकार मिलते हैं कंपनी में। लेकिन जब वह एक नई कंपनी का के रूप में जो है निर्माण करती है उत्पादन के लिए, तो वहां पर जो है वह प्रबंध और नियंत्रण के क्षेत्र में जो है समस्त अधिकार उसके पास होता है और उसी के द्वारा समस्त निर्णय लिए जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है कहलाता है। और इसमें जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संस्थागत निवेश से किस तरीके से अंतर है इसको भी बताया जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं। एक जो है अनुमोदित मार्ग है और एक जो है स्वचालित मार्ग है। अनुमोदित मार्ग है और एक जो है स्वचालित मार्ग है, मतलब ये दोनों जो है FDI के अंतर्गत ये आते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब यहाँ पे इसमें ही बेसिकली अंतर ये जो है होता है कि यहाँ पर ये जो है कंपनी का भाग हो जाती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, लाभ और हानि से ये प्रभावित होती है, लेकिन पोर्टफोलियो निवेश संस्थागत निवेश में नहीं होता है। ये निवेश किसी कंपनी में कर देती है और उसके बदले उसको एक निश्चित दर पर जो है लाभ प्राप्त होता है। कंपनी के लाभ हानि से इसका कोई मतलब नहीं होता है, इंस्टीट्यूशनल जो है होता है। और ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो एक दीर्घकालीन निवेश होता है, यहाँ पर जो है प्लान का डर नहीं होता, लेकिन यह दीर्घकालीन निवेश नहीं होता है बल्कि इसमें जो है प्लान की जो संभावना विद्यमान होती है। ये तो बेसिकली अंतर होता है। ये परमानेंट टाइप का होता है, किसी देश में जब जाता है तो वहाँ पे दीर्घकालीन निवेश होता है, वहाँ की उत्पादन गतिविधियों को, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों को नीतिगत स्तर पर प्रभावित करता है, लेकिन यह जो है एक निश्चित लाभ पर जो है निवेश का एक तरीका होता है। ये अल्पकालीन हो सकता है, इसमें प्लान की संभावनाएं गुंजाइश होती हैं, लेकिन यह जो है एक जो है दीर्घकालीन जो है व्यवस्था कहलाती है। और इसी FDI के अंतर्गत ही स्वचालित मार्ग और अनुमोदित मार्ग हो रहा है। 51% की जो है इक्विटी निवेश वाले जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आती हैं। स्वचालित मार्ग का तात्पर्य यह होता है कि इसे सरकार या RBI से अनुमति नहीं लेना होता है, बल्कि जहां पे निवेश किया जाता है स्वचालित मार्ग के अंतर्गत वहां के जो है RBI की क्षेत्रीय शाखा को 30 दिन के अंतर्गत सूचित करना होता है। और बस केवल यही इसमें जो है एक इसकी जो विशेषता होती है। और चूंकि इसका नियंत्रण और इसकी जो गतिविधियां हैं वो RBI के द्वारा देखी जाती हैं, इसीलिए इसको जो है RBI जो है रूट भी कहा जाता है, RBI रूट कहा जाता है। यानी कि स्वचालित मार्ग के अंतर्गत होने वाले निवेश को जो है RBI रूट कहा जाता है। उसी तरीके से अनुमोदित मार्ग, अब 51% इक्विटी शेयर से ऊपर के जो निवेश होंगे या ऐसे निवेश जो स्वचालित मार्ग की परिभाषा से अन्य या अलग होते हैं वह सभी अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो निवेश है FDI का जो प्रस्ताव है वो मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको जो है दिल्ली रूट भी कहा जाता है, इसीलिए इसको जो है दिल्ली रूट कहा जाता है। यहाँ पे दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जैसे सिंगल ब्रांड रिटेल के क्षेत्र में या इसी तरीके से NRI के क्षेत्र में जो FDI के निवेश से संबंधित प्रस्ताव होते हैं वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत आते हैं या उनके थ्रू जो है इसके प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं। और इसके अलावा जितने सभी क्षेत्रों के निवेश होते हैं वह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के प्रभाग के माध्यम से जो है स्वीकार किए जाते हैं। तो ये जो है स्वचालित मार्ग और अनुमोदित मार्ग जो दो प्रकार के जो मार्ग की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अब हम विदेशी निवेश या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत कुछ गतिविधियां हैं, कुछ डेवलपमेंट है, कुछ संगठन है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण जो है संगठन या जो है संस्थाएं हैं जो समय समय पर स्थापित की गई ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके, उससे संबंधित नीतियों का निर्माण किया जा सके, उससे संबंधित समस्याओं का निपटारा किया जा सके। तो इसमें औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग एक है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। दूसरा है विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड।
विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड, और तीसरा है विदेशी निवेश, विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण। विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण औद्योगिक, ये तीन संस्था है जो निवेश से संबंधित कार्यों में संलग्न। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है और एफडीआई से संबंधित आंकड़ों को जो है प्रकाशित करने का काम इसी संस्था का जो होता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है। यह जो है जैसा कि अभी बताया भी गया कि एनआरआई सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में विदेशी तकनीक का जो है प्रवाह, यह जो है ट्रेडमार्क से संबंधित जो है ट्रेडमार्क समझौते से जो है संबंधित जो भी एफडीआई प्रस्ताव होते हैं वो इसके स्तर पर विचार किए जाते हैं। और दूसरी संस्था है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड यही है, विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड। इसकी स्थापना जो है 1991 ईस्वी को जो है की गई थी। 1991 से भारत में जो है आर्थिक सुधार भी प्रारंभ किए गए जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। एलपीजी के जो कॉन्सेप्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन शुरू किया गया 1991 में। तो विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई 1991 ईस्वी में और यह जो है वित्त मंत्रालय के जो है अधीन कार्य करता है। यह भारत में जो है निवेश के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सिंगल विंडो यानी कि एक खिड़की जो है व्यवस्था है ताकि भारत में जो है निवेश की गतिविधियों को जो आसान किया जा सके। इसकी जो अध्यक्षता है वो आर्थिक मामलों के प्रभाग जो कि वित्त मंत्रालय का एक भाग होता है उसके जो है सचिव के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो एफडीआई के प्रपोजल आते हैं उसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, एक तो जो 1200 करोड़ की जो है और एक जो है 1200 करोड़ से जो है अधिक है, 1200 करोड़ और 1200 करोड़ से अधिक। तो ये 1200 करोड़ ये वित्त मंत्री के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और ये जो है कैबिनेट आर्थिक मामलों के जो है कैबिनेट के द्वारा इस पर विचार किए जाते हैं। तो ये दोनों व्यवस्थाएं हैं और ये विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत जो है ये व्यवस्थाएं आती हैं। तो विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड 91 ईस्वी में और वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है, सिंगल विंडो खिड़की है। इसकी अध्यक्षता जो है वो वित्त मंत्रालय के जो है आर्थिक मामलों के प्रभाग के सचिव के द्वारा जो किया जाता है, जबकि जो यहाँ प्रपोजल आते हैं वो 1200 करोड़ तक वित्त मंत्री और उसके ऊपर के जो है मामलों पे आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा देखा जाता है। तो ये है विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड। ये कुछ ऐसे संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे निकाय और व्यवस्थाएं हैं जिसको आप लोगों को याद भी करना चाहिए और समय समय पर जो है अपने उत्तर लेखन में प्रयोग भी करना चाहिए, जिससे आपका उत्तर भी प्रभावी बनेगा, आपको कुछ टेक्निकल शब्दों के बारे में जानकारी होगी, बार बार प्रयोग करने पर उसके बारे में समझ विकसित होगा। तो जैसे स्वचालित मार्ग है, अनुमोदित मार्ग है, ये क्या है, मुंबई रूट है, या इसको आरबीआई रूट या मुंबई रूट आप कह सकते हैं, मुंबई रूट कह सकते हैं, इसे दिल्ली रूट कह सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होती है। और इधर पोर्टफोलियो निवेश है, संस्थागत निवेश, मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसी के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर दिया जाता है। अभी थोड़ा सा और हम इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड है। तो विदेशी निवेश एवं क्रियान्वयन प्राधिकरण की स्थापना 1999 ईस्वी में जो है किया गया था। विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण की स्थापना 1999 ईस्वी में, इसका मुख्य काम विदेशी निवेश से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना और विलंब रहित क्रियान्वयन को जो सुनिश्चित करना, इसका एकमात्र जो उद्देश्य होता है। तो ये व्यवस्थाएं जो है विदेशी निवेश के अंतर्गत जो है आती हैं। अभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत जो है दो प्रकार के निवेश की भी चर्चा की जाती है, कभी कभी यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। एक जो है ग्रीन फील्ड जो है निवेश है, ग्रीन फील्ड, और एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, जब कोई भी जो है संस्था किसी क्षेत्र में नई इकाई के रूप में निवेश करता है, एक नए स्थान पर एक नए कंपनी का निर्माण किया जाता है, तो वो जो है निवेश ग्रीन फील्ड निवेश के अंतर्गत आता है। जबकि जब कोई कंपनी पहले से स्थापित होती है उसमें पुनः निवेश करके उसके आकार को बढ़ाया जाता है, तो वो निवेश जो है ब्राउन फील्ड निवेश के अंतर्गत आता है। तो ये सब टर्म है, इस शब्दों को जो है देखते रहना चाहिए और इसके बारे में एक समझ विकसित करते रहना चाहिए, जिससे परीक्षा में आपको उत्तर लिखने में या प्री के एग्जाम में भी ये सब पूछ सकता है ग्रीन फील्ड निवेश।
एक मतलब नए स्थान पे और एक नई कंपनी, दो पॉइंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, कंपनी पुरानी ही होती है, उसमें जो है निवेश किया जाता है, उसके उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जाता है। तो ये जो है क्या होता है, वो ब्राउन फील्ड निवेश के अंतर्गत जो है आता है। तो ये व्यवस्था है, हम लोगों ने FDI के अंतर्गत जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को हमने जो है देखा। अब इसी में हम एक पोर्टफोलियो निवेश को जो देखते हैं, जो कि दूसरा इसका पॉइंट था, जो है पोर्टफोलियो निवेश। जब किसी जो है कंपनी के वित्तीय परिसंपत्तियों को क्रय करके निवेश किया जाता है तो वो पोर्टफोलियो निवेश होता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे ऋण पत्र हो गया, उसके बांड हो गए, इनको खरीदा जाता है और खरीदा एक मूल्य पर जाता है और मूल्य उस कंपनी को प्राप्त हो जाता है, जिससे ये माना जाता है कि ये भी उसमें जो है पूंजी का अंतर प्रवाह हो रहा है, एक निवेश का एक माध्यम होता है। तो ये चीज़ें कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश। इसमें जो है एक निश्चित लाभ पर या एक निश्चित जो है प्रतिशत लाभ पर जो है ये निवेश किए जाते हैं। कंपनी के आंतरिक मामलों में जो है इनको कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, पोर्टफोलियो निवेश। जैसे हमने देखा था कि जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में, तो कंपनी में जो शेयर होता था उस शेयर में उसका अधिकार होता था निर्णय लेने का, वोट देने का। और इसी तरीके से यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कंपनी ही स्थापित हो जाती तो प्रबंध एवं नियंत्रण भी उसी के पास आ जाता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत जो है, पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत यह व्यवस्था होती है कि यह वित्तीय परिसंपत्तियों को क्रय कर लेता है, पुनः जिस कंपनी के पास वह वित्त का जो है या पूंजी का अंतर प्रवाह होता है वो उस वित्त का प्रबंधन करता है, उत्पादन का निर्णय लेता है, लाभांश का अपने स्तर पर जो है प्रयोग करता है और इसे एक निश्चित प्रतिशत दर से जो है लाभ मिलता है। कंपनी हानि में हो लाभ में हो इनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये व्यवस्था कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश जो है कहलाती है। इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है ADR, GDR और IDR, इस माध्यम से भी जो है निवेश जो है किए जा रहे हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट हो गया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, ये जो यूरोप में जो है प्रचलित है, ये अमेरिका में प्रचलित है और ये यूरो मार्केट में जो है प्रचलित है। ADR में जो है व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही जो है निवेश सम्मिलित हो जाते हैं। अब यहाँ एक शब्द आ गया संस्थागत, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, जो कि पोर्टफोलियो निवेश की तरह से ये इसका एक प्रकार होता है। तो ADR हो गया, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी, ये यूरो मार्केट में होता है, यह जो है व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों निवेशक होते हैं, इसमें केवल संस्थागत निवेशक ही भाग लेता है, ये भी दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये यूरो मार्केट में होता है और यह यूरोप में होता है। यूरो एक मुद्रा है जो कुछ देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है, तो उनकी इकोनॉमी में मार्केट में ये प्रचलित होता है, जिसको GDR कहा गया है। संस्थागत निवेश, संस्थागत निवेश, अब इसे विदेशी संस्थागत निवेश भी आप कह सकते हैं, जिसे FII कहा जाता है। विदेशी संस्थागत निवेश जिस भी देश में जो है वो निवेश करता है वहां की नियामक संस्था में पंजीकृत होता है, उसकी शर्तों टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करता है और उसके अंतर्गत जो है वो निवेश करता है और निवेश पर पुनः उसी तरीके की व्यवस्था होती है जैसे कि पोर्टफोलियो निवेश में जो है कहा गया है। भारत में अगर देखा जाए तो 1992 से जो है पूंजी बाजार में जो है FII को जो है स्वतंत्र कर दिया गया निवेश देखने के लिए। भारत में जो सेबी के द्वारा जो इस पर जो है कंट्रोल किया जाता है। सेबी 88 में स्थापित हुआ, 92 में इसको जो है संवैधानिक जो है दर्जा, इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, 1988 में जो सेबी स्थापित किया, 92 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से जो है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इस तरीके की गतिविधियों को जो कंट्रोल भारत में किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने टर्म प्रयोग किया जिससे आपको परिचित होना आवश्यक है, जिसका आपको बार बार प्रयोग करना है, जैसे विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह, ये सब अच्छे शब्द हैं, शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे आपके वार्तालाप की शैली का परिमार्जन और परिष्करण होता है। तो विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह हो गया। अब इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा स्रोत के बारे में, सरकारी स्रोत और निजी स्रोत में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश या पोर्टफोलियो निवेश इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत ऑटोमेटेड मार्ग यानी कि स्वचालित मार्ग के द्वारा और सरकारी अनुमोदन मार्ग के द्वारा होता है। सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के अलग अलग प्रभार के द्वारा देखे जाते हैं। इसके साथ साथ में कुछ संस्थाएं स्थापित की, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और इसी तरीके से विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड
की जो स्थापना विदेशी निवेश एवं संवर्धन बोर्ड की जो स्थापना की गई, साथ में जो विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण की भी जो स्थापना इसमें की गई, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, और पोर्टफोलियो निवेश के बाद जो हम लोगों ने ADR, GDR, IDR को देखा। इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे संस्थागत निवेश, विदेशी संस्थागत जो निवेश को जो देखा, और इस प्रकार से जो है इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। तो कुछ टेक्निकल टर्मों के साथ जो कुछ अवधारणाएं आपको दी गई, आप इसका जो अध्ययन कीजिए, पुनः एक बार देखिए, ताकि इससे संबंधित जो है कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में आपकी समझ विकसित हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नया अपन रहा होगा। इसमें आप लोगों को जानकारी इकोनॉमी के बारे में, औद्योगिक नीति के बारे में, जो है विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह के बारे में मिली होगी। तो आज के इस चैप्टर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।